हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बनाना मिल्क शेक। अगर मैं फ्रूट्स में सबसे सस्ते फ्रूट की बात करूँ तो केला सबसे सस्ता मिलता है 20 रुपये किलो में, 15 रुपये किलो में। मैं हमेशा क्या है, केला जरूर लेके आती हूँ घर में, क्योंकि ये इसके खाने के फायदे भी होते हैं और इसे दूध के साथ अपन कॉम्बिनेशन जब मिल्क शेक पीते हैं ना इसका, तो ये और ज़्यादा इसमें बेनिफिट होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट जानेंगे, परफेक्ट तरीका जानेंगे, किस टाइम इसे पीना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केला लिया है, इसका छिलका अपन उतार देंगे। फ्रेश पका हुआ लेना है, कच्चा केला नहीं लेना है। कच्चा केला ग्रीन ग्रीन सा होता है वो नहीं लेना है, येलो पका हुआ वो फ्रेश लेना है। अब इसके क्यूब कट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी में एक केला ही ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक केला लिया है तो मैं एक गिलास दूध ले रही हूँ। गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध ले सकते हो। और मैं यहाँ पर ठंडा दूध ले रही हूँ, गर्म किया हुआ दूध यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठंडा चिल चिल दूध यूज़ कर रही हूँ। ये सारा दूध इसमें डाल देंगे, एक केला और एक गिलास दूध। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक गिलास में एक टेबल स्पून, बड़ी वाली है देख सकते हो मेरी चम्मच कितनी बड़ी है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर की। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो कम लीजिएगा। हाँ, अगर आप आइस डालकर पीना अभी फेंटना चाहते हो तो फेंट सकते हो। मैं अभी इस टाइम इसमें आइस ऐड नहीं करूँगी, अभी इसे एक बार मैं मिक्सी में फेंट लूँगी। अगर आप डेली इस बनाना शेक को पीते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और मेरे जैसे आज आप सोच रहे होंगे कि मैं बनाना मिल्क शेक क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे लूज मोशन हो रहे हैं। लूज मोशन को रोकने के लिए भी ये बहुत काम में आता है। दूध के साथ आप केला खाओगे तो लूज मोशन रुक जाते हैं। मेरे जैसे आप पतले दुबले हो तो ये मिल्क शेक जरूर बना के पीजिएगा डेली। लेकिन डेली नहीं पी सकते हो तो सप्ताह में एक बार जरूर पीजिएगा, क्योंकि कमजोरी दूर करने के लिए ये केला बहुत कामगार होता है। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, हल्का सा ब्राउन कलर सा आ जाता है, ये नॉर्मल है। मैं यहाँ पर एक गिलास ले रही हूँ, इसमें पहले गिलास में अपन ऐड करेंगे आइस। ये ठंडा ठंडा बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर आप सुबह सुबह बच्चों को दे रहे हो तो इसमें आइस ऐड मत कीजिएगा, सुबह सुबह आप पी रहे हो तो भी आपको आइस ऐड नहीं करनी है, बस ठंडा थोड़ा सा चिल्ल दूध आपको ले लेना है। और जो मैंने ये ग्राइंड किए हैं वो इसमें ऐड करूँगी और इसमें थोड़े से ऊपर से डाल दूँगी पिस्ता। ये केवल सजावट के लिए है, वैसे आप डेली पी रहे हो तो मत ऐड कीजिएगा। और थोड़े से मस्कमेलन सीड, थोड़ी सी अखरोट, और इसके ये ढक्कन लगाएंगे गिलास के। ये लीजिए, हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बड़ों के लिए भी ये बेनिफिट होता है, तो आप इसे डेली बना सकते हो। ये इतना ठंडा ठंडा लग रहा है हाथ में कि पीने की इच्छा हो गई है। चलिए मैं आपको इसे पी के बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, जिस तरीके से मैंने बताया है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी कितनी है, शुगर लेनी है इसमें, केला कितना लेना है, दूध कितना लेना है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ। हाँ, पीने का टाइम आप सुबह इसे पीजिएगा तो ये ज़्यादा फायदा करता है दूध के साथ। मुझे बहुत मज़ा आ गया इसे पी के, आप भी ये घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। ऐसी एक हेल्थ ड्रिंक लेके आऊँगी वापस से आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।